मित्रों जय श्री राम। मित्रों मेरा नाम विजय मिश्रा है और हिंदू जीवन ज्ञान चैनल में बहुत स्वागत है आपका। मित्रों शौक से ज्योतिष का भी काम करता हूँ, कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से मिलना जुलना होता है, कई लोगों के घर जाता हूँ, कई लोग मेरे घर आते हैं। तो अक्सर जो है बातचीत के क्रम में लोग पूछते हैं कि महामृत्युंजय क्या होता है, महामृत्युंजय कैसे कराना चाहिए, या मैं भी कई दफ़ा लोगों को बताता हूँ कि महामृत्युंजय करा लीजिए, मार्केश है महामृत्युंजय करा लीजिए। कभी कभी मार्केश ना बताकर मैं महामृत्युंजय कराने की सलाह देता हूँ तो लोग पूछते हैं कि पंडित जी क्या मार्केश है। मित्रों एक बात आपको बताऊँ कि यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि महामृत्युंजय का जप हम मार्केश में ही करते हैं, ऐसा नहीं है। महामृत्युंजय के जप से यह सच बात है कि मृत्यु टलती है, मार्केश टलता है, लेकिन इससे मित्रों बुद्धि का भी विकास होता है। यदि हमारी बुद्धि गलत दिशा में चल रही है तो हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर आती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कई तरह के बिगड़े हुए काम बनते हैं, मुसीबत से हम बाहर निकलते हैं। यदि मेरा बुरा समय चल रहा है तो अच्छे समय परिवर्तित हो जाता है। महामृत्युंजय की बड़ी महिमा है मित्रों। महामृत्युंजय अस्तित्व में कब आया? जब मृकंडू ऋषि को शिव जी ने पुत्र रत्न का वरदान दिया और यह पूछा उनसे कि तुम्हें दीर्घायु पुत्र चाहिए या अल्पायु पुत्र चाहिए, यदि दीर्घायु पुत्र लोगे तो वह निरा ज्ञानहीन होगा, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, और अगर अल्पायु पुत्र लोगे तो उसे यदि तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, अल्पायु पुत्र चाहोगे तो मैं अति मेघावान तेजस्वी मेघावी पुत्र का वरदान दूंगा। तो मृकंडू ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे अल्पायु पुत्र दीजिए लेकिन सर्वस्व ज्ञानी पुत्र दीजिए। तो महादेव तथास्तु कह के चले गए। उसके बाद मृकंडू ऋषि के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उनको और वह पुत्र बचपन से ही महादेव जी के वरदान के हिसाब से बहुत मेघावी था। तो मृकंडू ऋषि ने उनको यह कहा कि पुत्र तुम्हारी आयु बहुत कम है, तुम तो महादेव जी की पूजा करो। और मृकंडू ऋषि ने जैसा बताया था उनके पुत्र ने उसी तरह से महादेव जी की पूजा शुरू की, एक मंत्र की रचना की, उस मंत्र से उनकी पूजा की और मित्रों इस मंत्र से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें चीरकाल तक दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उन ऋषि का नाम मार्कंडेय ऋषि था। तो मित्रों मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की, जिस मंत्र से उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके अपनी आयु बढ़ाई उसे महामृत्युंजय कहते हैं। और चंद्रमा को जब मृत्यु का श्राप मिला था तो चंद्रमा ने 6 करोड़ की संख्या में महामृत्युंजय का जप किया था और पार्थिव शिवलिंग से महादेव जी को प्रकट होने पर विवश कर दिया था और अपनी आयु बढ़वाई थी। तो मित्रों यह महामृत्युंजय मंत्र है और यदि आप नियमित रूप से इसे प्रतिदिन 11, 21, 51, 108 की संख्या में करें तो आपको कभी भी किसी पंडित जी से या कभी किसी विद्वान से महामृत्युंजय कराने की आवश्यकता रह नहीं जाएगी। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आप महामृत्युंजय का जप प्रतिदिन करेंगे। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंथनान मृत्योर्मुक्षमामृतात्, यह एक मंत्र है। ओम जुम सह, यह एक मंत्र है। लघु मृत्युंजय ओम जुम सह मम पालय पालय, यह भी लघु मृत्युंजय है। ओम हों ओम जुम सह ओम भूर्भुवस्वम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमंथनान मृत्योर्मुक्षमामृतात्, ओम भूर्भुवस्वम जुम सह हों ओम, यह महामृत्युंजय है। तो इनमें से किसी मंत्र का चयन कर लीजिए और आप जप करिए, महादेव आपकी रक्षा करेंगे, आप पर कृपा करेंगे। जय सियाराम।